That and shift our focus. Mafia turned politician Atiq Ahmed will be produced in the court today. A court in Prayagraj will pronounce verdict in the 2007 kidnapping case of Umesh Pal, who was a key witness in the BSP MLA murder case. Remember, Umesh Pal himself was murdered last month, and a heavy security has been deployed at the Prayagraj jail, from where Atiq will be taken to the court. Now, security has also been tightened at the court itself. माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उमेश पाल अपहरण कांड में आज दोनों को सजा सुनाई जाएगी और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ देर बाद अशरफ और अतीक को प्रयागराज के इसी नैनी सेंट्रल जेल से कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर MPMLA कोर्ट में आज फैसला आएगा और उसके बाद सजा का ऐलान होगा। और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। नैनी सेंट्रल जेल से प्रयागराज कोर्ट की जो दूरी है लगभग 7 किलोमीटर बताई जा रही है, और इस दौरान लगभग 10 से 15 मिनट का जो वक्त है वो लगेगा। जब इसका काफिला निकलेगा तो प्रयागराज के सड़कों पर चप्पे चप्पे पर जो पुलिस बल है उनकी तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही हर आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी भी तलाशी ली जा रही है। साथ ही जिस दौरान उनका काफिला निकलेगा उस दौरान सड़क खाली करा ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद संवेदनशील है, लिहाजा जो स्थानीय प्रशासन है वो भी फूक फूक कर कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था और इसी मामले में ये दोनों भाई आरोपी हैं। और बताया ये जा रहा है कि एक को साबरमती जेल से यहां पर लाया गया था और दूसरे को बरेली जेल से लाया गया था। सोमवार की देर शाम ये दोनों पहुंचे और इसके बाद जो रात है दोनों ने इसी नैनी सेंट्रल जेल में बिताई है। All right, at this point of time, let's listen in to this reaction that is also coming in at this point of time. We are getting to know that Umesh Pal's mother is demanding capital punishment for Atiq Ahmed. Listen in. आज फैसला आने वाला है। मैं ऊपर कोर्ट से कल भी कह रही थी, आज इसको फांसी की सजा हो, इसलिए कि इसको अगर उम्र कैद हो गया तो जेल में बैठ करके वहां से शतरंज रच करके मेरे बच्चों को मेरे परिवार को ये फिर विनाश की घड़ी पहुंचाएगा। हम लोग ना जी पाएंगे ना रह पाएंगे, इसलिए कि ये हमेशा अपना गुंडे माफिया का इसका साथ है, पूरा इसने पाल रखा है, पूरा एक संघर्ष, ये हम लोगों को हमारे बच्चों को मरवा देगा।